देश खतरे में है, कोरोना से नहीं, चाइना से। कोरोना से ना तो देश को कोई खतरा है, ना ही आपको कोई खतरा है। कोरोना तो एक मामूली फ्लू है, आपको फ्लू से जितना खतरा होता है, जो कि हर साल आपने झेला है, उतना ही खतरा कोरोना से है। ये बात मैं आपको बताता आया हूँ पिछले 5 महीने में अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। इन बातों की सारी प्रूफ अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके मेरी किताब कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम में जाके आप देख सकते हैं। द रियल थ्रेट इज फ्रॉम द चाइना। चाइना से हमारे देश को थ्रेट आता रहा है, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी थ्रेट अपने एक्सट्रीम में। कारण ये कि एक तरफ चाइना की जो इकोनॉमी है वो अपने पीक पे है और इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर चुकी है। याद रखिए, बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई में जो औजार होता है वो होता है इकोनॉमी, पैसा। पैसे से ही औजार आता है, उसी से लड़ा जाता है। और इस वक्त जाहिर सी बात है, चाइना की जो इकोनॉमी है अपने सबसे स्ट्रांग पोजिशन पे है। कारण ये कि कोरोना के बहाने, कोरोना के जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो इंडिया समेत चाइना सारी देशों को अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों अगर भारत की बात करें तो भारत ने 21 टन मेडिकल सप्लाईज चाइना से हवाई जहाज के माध्यम से इंपोर्ट किया था। तो ये तो है चाइना की इकोनॉमी की कंडीशन। अब भारत की जो इकोनॉमी कंडीशन है वो तो आपको पता ही है, कारखाने सारे बंद हैं, ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? कुछ देशभक्त, उनके राय आ रहे हैं, बड़े अच्छे राय हैं। नंबर वन कि चाइनीज़ माल खरीदना बंद कर दें ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कम से कम 60-70 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो चाइना का माल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के साइट में जाके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि एक भयानक स्थिति दिखेगी। और वो ये कि इस वक्त इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रॉक बॉटम पे है, यानी कि 27%, यानी कि 27% एक बहुत ही भयानक पिक्चर है। बोलने का मतलब, इसे अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू नंबर पीपल, तो इस वक्त देश में करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते का जो खाना है उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो ऐसे में वो चाइना का माल तो क्या, वो कहीं का माल खरीदने लायक ही नहीं है। तो इसलिए इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि देश चाइना का माल खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा, पैसे है नहीं। एक सजेशन और आ रहा है कि चाइना के जितने भी ऐप हैं, टिकटॉक वगैरह, ये सब डिलीट कर दें। बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, डिलीट करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाना चाहिए। और अगर आप चाइना का सारा ऐप डिलीट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए जितने सारे ऐप आप देख रहे हैं वो सारे ऐप भी आप डिलीट कर दीजिए। आप बोलेंगे ये तो सारे भारतीय ऐप हैं, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, पेटीएम है, ओयो है, ओला है, बायजूस हैं, ये सारे दिखने में भारतीय ऐप हैं, लेकिन इसके जो तार हैं, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो शेयर होल्डर हैं, मेजर शेयर होल्डर, वो तो सारे चाइनीज ही हैं। तो जब भी आप इनमें से भी कोई ऐप यूज़ करेंगे तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन, एक पैसा चाइना को जा रहा है। तो सही मायने में अगर आप सारे चाइनीज़ ऐप हटाना चाहते हैं तो ये सारे ऐप, या फिर मोटा मोटी बात करें तो जितने भी भारतीय ऐप हैं उसमें 99% ऐप सारे डिलीट कर देंगे तो ही माना जाएगा कि आपने चाइनीज़ सारे ऐप डिलीट कर दिए। तो किसी देश को कमज़ोर करने का तरीका दो है, एक तो ये कि उसकी इकोनॉमी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए और दूसरा कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। अपनी इकोनॉमी, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें, बूस्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान ये हो सकता है कि इसी वक्त सारे कारखाने दोबारा चालू कर दिए जाए, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरा एक और तरीका, अगर ये जिद पे अड़ी गए कि फैक्ट्रियाँ बंद करके ही दम लेंगे जब तक कि वो फैक्ट्री अपने आप ही जंग ना पड़ जाए, दोबारा खुलने लायक ही ना रह जाए, जैसा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इस फिर भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक गोल्डन चांस हमारे पास है। उसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ समझाने के लिए। 20 अप्रैल याद रखिएगा, डेट 20 अप्रैल की बात है। माडागास्कर, जो कि बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीका का छोटा सा गरीब देश, वहाँ उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके माध्यम से 2 कोरोना पेशेंट को ठीक किया गया, 2, ओनली 2, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने लॉन्च कर दिया 20 अप्रैल को। वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका नाम है एंड्रिया रोजोलिना, उन्होंने लॉन्च कर दिया वहाँ का प्रोडक्ट, नाम दिया उन्होंने कोविड ऑर्गेनिक, वहाँ का ट्रेडिशनल दवाइयों के सिस्टम से बना हुआ प्रोडक्ट कि इससे कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं। और उसके बाद से उनके पास पूरे अफ्रीका के देशों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और मुझे लगता है अब तक तो वो बहुत अमीर बन चुके होंगे। मतलब ये कि देश का जो राष्ट्रपति, वो खुद ही अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, अपना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गया। जहाँ भी वो जाते, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल मीट में अपना वो प्रोडक्ट लेके जाते, और जिससे देश को बहुत फायदा भी हुआ, एक गरीब मडागास्कर जैसे देश को। अब भारत की बात करते हैं। भारत में भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, मैं आपको याद दिला दूं, इसका नाम है आयुर्वेद। शायद जनता भूल चुकी है और हमारी सरकार तो पूरी तरह भूल चुकी है। नहीं तो जरा सोचिए, पिछले 5 महीने जो कोरोना से की लड़ाई है, चल रही है, उस जंग में एलोपैथी के जो जहां ट्रायल चल रहे थे वहां आयुर्वेद का नामो निशान भी नहीं था।
और हमारे कुछ आयुर्वेद के चाहने वाले जिनके चप्पल जूते घिस गए, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आयुष डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री कि भाई आप आयुर्वेद के माध्यम से भी तो कुछ ट्रायल करो, करते करते 15 मई के आसपास हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलाउ किया, चलो भाई आयुर्वेद को हम कुछ पेशेंट देंगे और ये 5 जड़ी बूटियाँ अलाउ करते हैं, आप इसी से ट्रायल करके देखो। और सिम्टोमेटिक पेशेंट में 15 दिन पहले 15 मई के आसपास ट्रायल शुरू हुआ गुजरात में, और उसका नतीजा निकला 30 मई के आसपास। 30 मई को वहां के रीजनल अखबार में खबर छपी और वो खबर ये थी कि 586 कोरोना पेशेंट, सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट ठीक हो गए आयुर्वेद के इलाज से। ये एक बड़ी बात है, कहां तो 2 पेशेंट ठीक होने के बाद भी वो ब्लॉकबस्टर ड्रग बन गया था या बन गया है, और यहां 586 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, और कितने लोग मरे, एक भी नहीं मरा। सो दैट इज अ बिग न्यूज। लेकिन अब सामने नतीजा है कि इतना बड़ा न्यूज़ होने के बावजूद भी आई एम श्योर कि आप में से एक शायद ही किसी को पता चला हो, मानो ऐसे कि कोई षड्यंत्र के तहत इस न्यूज़ को दबाया गया हो, छुपाया गया हो, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए कि एक मेथड आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जिसके माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक किया जा सके। अब वो लोग जो आयुर्वेद के स्तंभ माने जाते हैं, वो लोग जो आयुर्वेद के प्रमोटर्स हैं, वो लोगों को भी आइडिया नहीं आ रहा। उनमें से एक नाम मैं लूँगा आज, जिनका नाम है आचार्य मनीष जी, जो फरवरी महीने से ही लगातार आयुष डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री पीओ में ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज किया जाए कोरोना के ट्रीटमेंट में। अब जब ये रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, अब वो भी शांत बैठे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं दे रहा, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, इस तरह का बिहेवियर उनका भी है। और साथ में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू आयुर्वेद के आधार पर बनाया है, वो भी कहीं गुमसुम हैं, कहीं चुपचाप बैठे हैं किसी कोने में, उनको भी दिखाई नहीं दिया कि 586 पेशेंट ठीक होके जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी ब्रांड इमेज वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी है, मुझे लगता है ट्रंप के बाद उनका नाम ही है जो नाम से चेहरे से लोग पहचानते हैं और मानते भी हैं। अगर वो मडागास्कर के प्रेसिडेंट की तरह अगर वो भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाए आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और अगर वो आयुर्वेद को हाथ में लेके एक बार अनाउंस कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने देखा है कि इतने पेशेंट ठीक होते हैं, 586 पेशेंट ठीक हुए, एक भी डेथ नहीं हुआ, तो मुझे पूरा यकीन है जैसा मडागास्कर के साथ आजकल हो रहा है, भारत के साथ भी ऐसा ही होगा। एकदम से भारत का जो डिमांड आयुर्वेद के लिए, पूरी दुनिया भर से डिमांड आएगा, और पूरे विस्फोटक की तरह ये दवाई आयुर्वेद की छा जाएगी पूरे वर्ल्ड में, और एक दिन में, जस्ट एक दिन में भारत की इकोनॉमी वापस आ सकती है, भारत की इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है। इसलिए भी क्योंकि कोरोना की वो जो दवाई है, आयुष की जो दवाई है, जो आयुर्वेद की दवाई है, वो तो ऑर्डर आएंगे, लेकिन लोगों का ध्यान एक बार फिर आयुर्वेद की तरफ आएगा, जिसके वजह से आयुर्वेद के जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं वो भी फिर एक्सपोर्ट होने लगेंगे। लेकिन शायद कोई ये होने देना चाहता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जहां तो एक तरफ ये बोला जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी को वापस लाओ, भारत खतरे में है, और जहां दूसरी तरफ एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार होकर बैठा हुआ है घर में, और मुझे पता है कि आज अगर हमने कुछ किया नहीं तो याद रखिए आसपास के और देश जैसे कंबोडिया जैसे छोटा देश, वियतनाम जैसे छोटे देश, थाईलैंड जैसे लोग, वो लोग भी अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो अपना प्रोडक्ट निकालने ही वाले हैं। तो सारा ध्यान एशियन कंट्रीज का ध्यान, वो आंखें खुली है कि कौन अपना पहला प्रोडक्ट निकालता है, और सारा जो फर्स्ट जो फायदा ले जाएंगे, फर्स्ट मूव का वो देश ले जाएगा जो पहली बार अनाउंस करेगा, ठीक मडागास्कर की तरह। लेकिन इसके बावजूद भी शायद ये आइडिया आया नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो आइडिया मैंने बताया, क्यों ना और प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड लॉन्च इट ग्लोबली। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है, कुछ भी नहीं करना है, तो ये आपको पहुंचाना है, और मैं आपको पहुंचाता हूं आचार्य मनीष जी तक। मैंने उनको सीधे कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब आपके सामने हैं, ताकि उन जवाबों को लेके आप खुद अपना कंक्लूजन बना पाए। मेरा पहला सवाल आपसे, मैं तब से देख रहा हूँ कि YouTube के जरिए, वीडियो के जरिए भी, और आपसे जो जितने फोन पे बात भी, आप जब से लॉकडाउन हुआ उससे पहले से आप लगातार पीओमओ में और हेल्थ मिनिस्ट्री में, आयुष डिपार्टमेंट में मिनिस्टर से कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं कि भाई आयुष को बीच में जगह दिया जाए, आयुर्वेद को जगह दिया जाए, आयुर्वेद के माध्यम से इलाज किया जाए, इतने चक्कर काटे, और उसके चक्कर काटने का रिजल्ट क्या हुआ कुछ बताएंगे आप? मैंने ये सुना था कि भाई उसके बाद फाइनली 15 मई के आसपास टीवी में देखा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने अलाउ किया कि चलो भाई हम आयुर्वेद के माध्यम से भी ट्रीटमेंट को करके देखते हैं, 15 मई, आज से 15 दिन पहले, जबकि आप कब से लगे हुए थे। तो थोड़ा सा ब्रीफली बताइए अपना ये स्ट्रगल आयुर्वेद को अलाउ कराने का कि चलो ट्रायल तो करते हैं। मैंने सबसे पहला लेटर लिखा था 23 मार्च को पीएमओ में, उसके बाद से लगातार मैं अब तक 12 लेटर पीएमओ में लिख चुका हूँ प्रधानमंत्री जी को, और सीसीआरएस में गया था 17 अप्रैल को, और आईसीएमआर की मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ, इसके अलावा आयुष मिनिस्टर से पर्सनली भी मिल चुका हूँ।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस देश में आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, उस मानसिकता के गुलामी से हम बाहर नहीं आए हैं। मतलब आयुर्वेद को इन्होंने मंजूरी जरूर दी शुरू में, जो आप बता रहे हो जिस डेट को, लेकिन वो दी सिर्फ उसके संपर्क में आए लोगों पे। पहले दी इन्होंने हेल्थ वर्कर्स पे, और फिर दी इन्होंने जो संपर्क में आते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और जो जिनको डाउटफुल है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर बोल सकते हो जिनको आप हॉस्पिटल दिया, ना कि उन्होंने इलाज के लिए दिया। इलाज के लिए नहीं दिया था उस टाइम तक, लेकिन इलाज के लिए जो मैंने देखा टीवी में, आप जरा इसको कंफर्म कीजिए, 15 मई के आसपास हेल्थ मिनिस्टर ने चार कोई जड़ी बूटी बोली कि भाई आयुर्वेद के ये चार हम सिम्टोमेटिक पेशेंट को देंगे। वो चार दवाइयां क्या है इसको थोड़ा बताइए। वो तो अश्वगंधा है, गिलोय है, यष्टि मधु है, पिपली है, और आयुष 64 है, एक एंटी मलेरियन ड्रग है आयुर्वेद की बनी हुई, वो 30-32 साल पुरानी सीसीआरएस की खर्च है, वो चार जड़ी बूटियां बोली है उन्होंने, और वो भी आज से 15 दिन पहले, आज 2 जून है, इसको 15 मई की बात है। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद पहले तो इन्होंने हेल्थ वर्कर्स पे और हॉस्पिटल्स पे बोली थी, बाद में इन्होंने अभी सुनने में आया जो अभी परसों भास्कर का फ्रंट पेज मैंने बताया था आपको शायद, उस दिन शायद इन्होंने बोला है कि हमने कुछ पेशेंट पे ट्राई करी है, बाकी मुझे विश्वास नहीं है, मैं अभी कंफर्मेशन कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अभी मेरा आपसे सवाल, 30 मई की बात है, 30 मई को दैनिक भास्कर के लोकल एडिशन गुजरात में जो अखबार आपने नहीं दिया था मुझे गुजरात का, जिसमें फ्रंट पेज में लिखा है कि 586 ये आपके पास है 586 पेशेंट को ठीक किया है, सिम्टोमेटिक पेशेंट को ठीक किया है आयुर्वेद के माध्यम से, ये आपने भी पढ़ा राइट। तो यानी कि अब ये साबित हो चुका है कि भाई सिम्टोमेटिक पेशेंट ठीक हो सकते हैं, एक भी नहीं मरा, सारे के सारे घर चले गए, कितने लोगों को ठीक किया, क्या ऐसे ही कुछ लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है कि 8 अस्पतालों में हम आयुर्वेद से इलाज कर रहे हैं, वैद्य भावना पटेला डायरेक्टर गुजरात आयुष विभाग, बट मैंने भास्कर के थ्रू इनका नंबर लिया है और संपर्क करा है, तो अभी पूरी डिटेल सही मिल नहीं रही है कि इन्होंने क्या क्या उस ट्रीटमेंट में दिया है, जबकि इसी पेपर में एक न्यूज छपी हुई है कि पूरे गुजरात में इन्होंने 1.25 करोड़ लोगों को काढ़ा पिलाया आयुष कुआत, जो काली मिर्च प्रिवेंटिव हो गया, उसको प्रिवेंटिव हम कुछ भी करते रहे उसे, इट डजंट मेक मच सेंस। मेरा तो सिंपल सवाल यह है कि अगर मैं इस अखबार को मानूं, जो कि देश का एक बड़ा अखबार है और इसमें फ्रंट पेज में है, वो भी आयुष के डायरेक्टर का ही व्याख्यान है, उसके हिसाब से तो ये है कि आयुर्वेद के XYZ दवाई से पेशेंट ठीक हो जाते हैं और 8586 पेशेंट ठीक हो गए हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही मानना पड़ेगा ना। पेशेंट तो आपकी DIP डाइट से भी ठीक हो जाते हैं, 3 डेज प्रोटोकॉल से भी ठीक होते हैं, आपने खुद करा हुआ है, बट वही बात है ना, हिंदुस्तान में काम करने का कोई मौका तो दे। हाँ, तो अब मेरा सवाल है कि ये अखबार में आ गया है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल की बात है, 20 अप्रैल में मडागास्कर एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत गरीब देश है, पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से गरीबी की उसमें लास्ट के 50 देशों में आता है, छोटा और गरीब अफ्रीकन कंट्री, उन्होंने 2 पेशेंट को ठीक किया, सिर्फ 2 पेशेंट की बात कर रहा हूँ, 2 पेशेंट को ठीक किया अपने वहां के आयुर्वेद से, वहां के जो एक लोकल उनका जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, और 2 पेशेंट के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया वर्ल्ड वाइड, ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में पूरे दुनिया में आया, ये उन्होंने लॉन्च कर दिया, इट इज कॉल्ड कोविड ऑर्गेनिक के नाम से अपना पूरा पोर्टल टॉनिक लॉन्च कर दिया, और 20 अप्रैल आज से 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद से लेके अभी तक ये पूरे अफ्रीका में फैल गया और वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, लोग भी ठीक हो रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, बट बिजनेस अच्छा खासा कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 30 मई को ऑलरेडी 586 लोग ठीक हो चुके हैं और आयुर्वेद से ठीक हो चुके हैं, जिसके लिए आप चक्कर काट रहे थे PMO से लेके और हेल्थ मिनिस्टर से लेके, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर कहाँ नहीं गया, और जब सामने रिजल्ट है तो सरकार चुप बैठी है। वो जो प्रेसिडेंट थे मडागास्कर के, वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गए और खुद अपनी पोर्टल लेके उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जिसका आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपने देखा भी होगा। तो दूसरी तरफ हमारी जो अब ये एक तरह का यूं मानिए कि जीत या हमारी अचीवमेंट कि भाई आयुर्वेद से ठीक हो गए, 586 कम नहीं होते, वो 2 ठीक हुए उसी से उन्होंने हल्ला कर दिया और अब तो वो सुपर हिट है मडागास्कर, कौन नहीं जानता, कम से कम नाम जिन्होंने नहीं सुना आप जानते हैं सब लोग। और मेरा सवाल सिंपल ये है कि आयुर्वेद से जब जीत हासिल हुई है, ये किसी को भी क्यों नहीं पता, और कम से कम आप तो लेके आपके पास आपके भी काफी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसमें से आयुष 64 क्या है आपके पास? हम लोग आयुष 64 को आयुरेपी के नाम से बनाते हैं, हम लोग खुद आयुष 64 है, ये एक गवर्नमेंट का CCRS अप्रूव फॉर्मूला है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मेरे को अभी तक पता है यही है कि अगर मैंने बोला ना आयुर्वेद की इस दवा से ठीक होगा तो पहले FIR होगी, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, इम्यूनिटी की दवाई क्या बेचते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे ना कि आपने ठीक किया इससे ठीक होता है, ये तो गवर्नमेंट बोल रही है ना, गवर्नमेंट ने इलाज किया। अभी तक कोई ऐसी जारी अधिसूचना नहीं करी इन्होंने, अभी सब गोलमोल चल रहा है, ये अखबार में छप जरूर गया और ये हमारे गुजरात की जो है प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने खुद लिखा है कि इतने लोग ठीक हुए,
सात दिन में नेगेटिव आए 213 लोग, ये 22 मई की न्यूज है, ये भी मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है इस देश में जो हमारे बड़े मंत्री हैं आयुष के, हेल्थ के और सरकार के, उनके नीचे जो अफसर बैठे हैं वो सब बदलने पड़ेंगे, सब बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुरानी मानसिकता के साथ बैठे हैं, वो आयुर्वेद को आगे आने देते हैं। अब आपके पास वो अखबार भी है, 22 मई वाला भी है, 30 मई वाला भी है, अपना प्रोडक्ट भी है, तो आप वो दोनों मिला के तो दिखा सकते हैं ना अपने टीवी चैनल में, जहां जहां आपके प्रोग्राम आते हैं कि भाई देखो इससे ठीक होता है, ये कह रहा है, इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ शुरू कर देता हूँ, आपने अच्छी सलाह दी है। हाँ कि भाई आप नहीं कह रहे तो हम लोग, मेरे तो पूरे इंडिया में 100 क्लिनिक है, और पिछले, अच्छा आपको बता देता हूँ, पिछले 3 महीनों में जो आपका 3 डेज DIP डाइट है और एक आपका 3 डेज प्रोटोकॉल है लिक्विड सॉलिड वाला जो वायरल इन्फेक्शन के टाइम देते हो, उससे उससे और साथ में हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कम 1500 ऐसे मरीज हैं जो सिम्टम्स थे जिनमें टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि टेस्ट करते तो उनको उठा के ले जाते क्योंकि पेंडेमिक एक्ट है, वो सारे ठीक हुए हैं, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। और पिछले हफ्ते पंजाब सरकार में 33 बड़े अधिकारी, जिसमें ADI मतलब ADPG लेवल के अधिकारी भी थे, और उनको भी हमने अपनी दवाइयां दी आयुर्वेद वाली और आपका डाइट चार्ट दिया, हैरान हो जाओगे, एक कभी पॉजिटिव नहीं आया, सबका थैंक यू मैसेज आया। इवन की 4 लोगों ने तो पर्सनल, जो ADPG लेवल के, आपका पर्सनल नंबर भी लिया मुझसे कि विश्वरूप राय चौधरी जी का पर्सनल नंबर चाहिए, हमें बात करनी है, तो मैंने नंबर भी दिया आपका, क्योंकि आपने अभियान चलाया देश में जो डाइट वाला, ये बहुत सराहनीय अभियान है। और जब खाली डाइट से ठीक होते हैं, आयुर्वेद तो चलो सेकेंडरी हो गया, आयुर्वेद तो चलो मान लेते हम डाइट ही है, हल्दी एक डाइट ही है, मसाले है तो सब डाइट ही है। तो मैं तो आपके माध्यम से और खुद भी रोज आवाज उठाता हूँ, आप भी रोज उठाते हो, कि भारत सरकार को इस टाइम आगे आना चाहिए, और जिस दवाई से गुजरात ने ठीक किया है वो दवाई पूरे देश में ओपन कर देनी चाहिए, और पूरे विश्व को भी बोलना चाहिए इससे ठीक हुआ है, आओ खरीदो ताकि देश में पैसा आए, इकोनॉमी स्ट्रांग हो हमारी। बिल्कुल सही, मेरी, मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था, पूछना भी चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था कि आप, क्योंकि आपने एक स्तंभ पकड़ा हुआ है आयुर्वेद का, और आप जैसे और गिने चुने भारत में, जैसे मान लो बाबा रामदेव है, श्री रविशंकर है आयुर्वेद को, लेकिन इस वक्त मैंने देखा आज की तारीख तक, अभी तक, अभी दो है, देखेंगे आपका अगला वीडियो आता है कि नहीं, हमारे सारे दर्शक देखेंगे, राइट, और मैं ये भी देखूंगा कि भाई बाबा रामदेव है, ये प्राइवेट इंसान है, इन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा खुद का कंट्रोल है हमारे ऊपर, उनका कंट्रोल उनके ऊपर, तो हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी है, कि जबकि ये रिजल्ट आ गया है, वो सरकार उस रिजल्ट को आगे लेके आए ना आए, क्योंकि जबकि ये अनाउंस हो चुका है, तो हम उस अनाउंसमेंट को आगे बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि मैंने वही देखा कि मडागास्कर में जो हुआ कि छोटे से देश में एक बार अनाउंसमेंट के बाद, अब आप देखिए वहां हवाई जहाज जा रहे पूरे अफ्रीका में, और उनका जो कोविड ऑर्गेनिक है वो फैल गया, और इस बहाने वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मडागास्कर का, उसमें लोगों का ध्यान चला गया, मेरे जैसे इंसान का भी और वहां के लोकल्स का भी, हर तरह के इंसान का। तो इससे ना केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इस दवाई के लिए, बल्कि आयुर्वेद में लोगों का विश्वास और इंटरेस्ट एकदम से फैलेगा, ये कोई छोटी बात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी 30 तारीख हो गया, अभी आज 2 तारीख पे हमें, कहीं ऐसा ना कि हम सोचते रह जाएं और कोई चाइना जैसा या कोई और देश, हर देश का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, वियतनाम भी अपना काम कर रही है, आज नहीं तो कल 2-3 दिन में वो अनाउंस करने वाली है। जिस देश ने पहले अपना आयुर्वेदिक टाइप कुछ अनाउंस कर दिया, मान लीजिए कि बिजनेस पहले वो ले गया, राइट, तो यहाँ पे आज तो हमारे पास मौका है, कल होना हो ये हमें नहीं पता, राइट, वो हम अगर आज हाथ धर करके बैठे, सरकार कुछ करेगी तो ही करेंगे, लेकिन मैं और सारे ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ, आपको ही बताना चाहता हूँ, जितने भी आयुर्वेद को के स्तंभ है कि वो और जिनके पास खासतौर पर, आपके पास तो फॉर्मूला भी है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को भी कि जब मुझे CCRS में और आयुष मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, तो हमने 3 दवाइयां निकाली थी और 100% क्योर बताया था कि इससे हो जाएगा, तो उन्होंने पता क्या बताया, मैं आपके माध्यम से जनता को बताऊंगा, उनकी आंखें खुलेंगी। हमें ये बोला गया कि 3 से 8 करोड़ रुपए खर्चा, सॉरी 3 से 8 साल का टाइम पीरियड, उसमें मैंने आपको एक लिक्विड दिखाया था, ये विश्व रस के नाम से बड़ा आसान सा लिक्विड था, इसमें पपीता, गिलोय, वीट ग्रास, पुनर्वा, नीम, वासपत्र, कालवे के डला हुआ था, तो हमने बोला ये लिक्विड है, इससे ठीक हो जाएगा, और एक आप जो हुंजा टी बताते हो वही हर्बल टी बताया था कि इससे ठीक हो जाता है। लेकिन हमें बताया गया कि 3 से 8 साल तक रिसर्च होगी, कम से कम 15-20 करोड़ का खर्चा लगेगा, पहले आपका कम से कम 9 महीने का पेपर वर्क है, फिर जाके दवाई लॉन्च होगी। इससे अच्छा मैंने तो वापस आके मन बनाया कि इस दवाई को इम्यूनिटी की क्या के देते रहो, हिंदुस्तान में तो यही चलने वाला है। कसम से मैं तो ठंडा हो गया, आराम से घर बैठ गया था कि हिंदुस्तान में कानून पुराने हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से आपने मुझे दोबारा से जगाया है कि ये वाली अखबार भी आ चुकी है, ये वाली भी आ चुकी है, अब आप दोबारा जागो, तो मैं थैंक यू आपका भी, क्योंकि आप जगा रहे हो कि आयुर्वेद को दोबारा से आगे लाने का मौका, और अब तो अखबार सरकार खुद बोल रही है, तो अच्छा आइडिया है, हम इसको पूरा पेश करते हैं, ना तो ये पेशेंट को वापस ले सकते हैं और ना ही अखबार वापस ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई आपके सारे जो आपने एक्सपीरियंसेस बताए उससे यही लग रहा है कि पूरी कोशिश की गई एक षड्यंत्र के माध्यम से, कहीं ऐसा ना हो कि आयुर्वेद का कोई इलाज आ जाए और आ जाए तो लोगों को पता चल जाए,
तो उस तरह की कोशिश दिख रही है। अगर ऐसी कोशिश है तो ये तो फिर हमारा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है कि हम में से हर एक लोग जो भी अपने आप को इंडियन समझते हैं, भारतीय समझते हैं, वो इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए ये जो न्यूज है और ये न्यूज को आगे पहुंचाए। इस न्यूज से ये तो होगा कि पैसा देश में आएगा, वो पैसा चाहे आपके खाते में जाए, बाबा रामदेव के खाते में जाए, किसी भी जाए, लेकिन आएगा तो देश में। एक तरफ तो चाइना से पीछा छुड़ाने के लिए या उसकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए टिकटॉक को हटाने बोल रहे हैं कि अपने व्हाट्सएप से हटा दो। भाई अगर टिकटॉक को हटा दो तो आप देखेंगे कि 90% जितने भी ऐप हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग पेटीएम है या फ्लिपकार्ट है या ओयो है, जितने भी नाम आपने सुने हैं, जितने भी यूज करते हैं, 90% ऑफ देम उसमें चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो बोलने का मतलब ये है, सीधी सी बात, अगर आप टिकटॉक उड़ाने की बात कर रहे हो तो एक्चुअली आप ये बोल रहे हो कि मोबाइल में जितने भी आपके ऐप है सारे उड़ा दो, तभी जाके चाइना का रेवेन्यू। और ऐप उड़ाने से अच्छा कि अपना धंधा बढ़ाओ, और धंधा बढ़ाने के लिए जब सब सारे टूल्स हैं, सारे औजार हैं, तो और अगर डब्ल्यूजी को परमिशन लेनी है, मान लो ये भी एक है, तो डब्ल्यूजी को बॉस भी तो अब हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर ही बन गए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड, इसके बावजूद भी अगर सब कुछ कहीं कुछ रुका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा ही खेल चल रहा है। खैर, हमारी तो फिर भी कर्तव्य है कि हमारे हाथ खुले हैं, हमारे आंख खुली है, हमारी पहुंच एटलीस्ट सोशल मीडिया तक है, जहां जहां जिसकी पहुंच है वहां वहां तक तो हमें इस आयुर्वेद के इस सक्सेस को पहुंचाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब पहली बार मैं आयुष मिनिस्टर से पर्सनली मिलने गया था ना, उससे पहले 16 दिन तक हमने रात को सोए नहीं थे ढंग से। मैंने पूरे 15 डॉक्टरों की टीम लगाई थी, जिन्होंने एक एक जड़ी बूटी के ऊपर जितने भी पूरे विश्व में जर्नल उपलब्ध थे, पूरे जर्नल्स का एक एक डाटा पूरा इकट्ठा करके ना पूरी पोथी बना के लेके गए थे। इतना बड़े पेपर थे हमारे पास, कम से कम 350 जर्नल लेके गए थे, कि वो ये ना बोल दे कि आपने तुलसी पे पूरी रिसर्च नहीं करी। तुलसी है तो तुलसी पे कम से कम 55 तरह के जर्नल, कालमेघ था तो कालमेघ पे 20 तरह के जर्नल, अमेरिका के अलग, मतलब ब्रिटेन के अलग, मतलब हमने पूरे विश्व में पूरा होमवर्क करके गए थे। लेकिन उसके बाद ही मन खराब हुआ जब वहां पर जाके पता चला कि आयुर्वेद में अभी आप लोग बोल रहे हो लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, रिसर्च में टाइम लगेगा। मतलब दुख हुआ मुझे कि हम इस देश में वासी हैं, कि आज भी अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं और अंग्रेजों के हम जाने अनजाने गुलाम ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो गुलाम ही बोलते हैं इसको हम, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट ही ऐसा है। और आपने अभी खुद एक वीडियो बनाई थी कि आईसीएमआर ने तो क्लियरली अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि मौत चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से हो चाहे किसी और प्रॉब्लम से हो, तो वो लिखी कोरोना के खाते में जानी है। और पाकिस्तान की वीडियो भी आई थी कि कोरोना का की तरफ से मारोगे तो आपको 3900 रुपए कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे पर पेशेंट की मौत के ऊपर, वो आप ही ने डाली थी एक वीडियो। हाँ, तो ये सच्चाई है। अभी आईसीएमआर ने देखिए, एक तरफ तो आपके पास सारे एविडेंस आप दिखा भी रहे हैं, और आप तो बात तो अलग है, अब सरकार के पास भी एविडेंस है, आफ्टर ऑल 586 पेशेंट तो सरकार ने ठीक किए, उनके पास एविडेंस है। उसके बाद भी एक तरफ आयुर्वेद को बिल्कुल दबाया जा रहा है, पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये एविडेंस है कि जो एंटी मलेरियन ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये पूरे दुनिया में अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से बैन हो गया। उसके बावजूद भी ये देखते हुए कि भारत में हजारों लोग इसे मारे गए, जिसका डेटा वगैरह चाहिए तो मैं दे सकता हूं, तो उसके बावजूद भी इंस्पायर्ड ऑफ दैट आईसीएमआर ने अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि हम तो आज भी और अभी भी आज के डेट 2 जून में भी अगर कोई कोरोना पेशेंट जाता है आईसीएमआर के माध्यम से यानी कि अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, तो आज भी राइट नाउ मेरे पास पेशेंट हैं जिनको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दिया जा रहा है। आज भी, जब तो ये ट्रंप ने अनाउंस किया था तब भी ये एविडेंस थे कि इससे हार्ट अटैक आते हैं और कार्डियक से इंसान मरते हैं, और आज भी एविडेंस है, आज तो कई गुना ज्यादा एविडेंस है। और तो मतलब ये कि उसके बाद भी आईसीएमआर की जिद है कि हम तो यही दवा देंगे और लोग मरते हो मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको एक और न्यूज देता हूँ, आज सुबह ही जैसे आपको पता होगा साजिद की मृत्यु हुई है, जो संगीतकार थे 42 साल की उम्र में, तो वो शुगर और किडनी के पेशेंट थे, लेकिन पिछले कई दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपको पता ही है, और उनकी जो मौत हुई है उसमें कारण हार्ट अटैक बताया गया। अब हार्ट अटैक तो आपको पता ही है कि ICU दोगे तो हार्ट की धड़कन तो मतलब बढ़ती है उसके बाद, और उसके बाद अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो नेचुरली बात है, तो वो जो वो जांच होनी चाहिए कि साजिद को दवाइयां क्या दी गई जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज यहाँ पे है भारत में जो बाकी पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं, एटलीस्ट डेवलपमेंट देश में नहीं है, कि एक कॉलम होता है, एक कॉलम होता है जहाँ पे दवाई के साइड इफेक्ट से तो नहीं मारे गए, अगर तो है तो वो टिक करना पड़ता है, लेकिन वो जो कॉलम है वो पूरा का पूरा भारत में वो कॉलम ही नहीं है। मतलब भारत में दवाइयों के साइड इफेक्ट से कितने लोग मारे गए, गवर्नमेंट का जवाब होगा जीरो। इसलिए कि वो कॉलम होगा तभी तो कोई लिखेगा ना, लिखने की जगह होगी तभी तो लिखेगा, राइट? तो वो कॉलम है ही नहीं, मतलब उसको भी नहीं कि आप लिखो या उस पर सोचो भी कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरना भी कोई चीज होता है। जाहिर सी बात है कि कोरोना को पेशेंट गया तो उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देंगे, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा इफेक्ट है कि वो हार्ट के बीट को एबनॉर्मल कर देता है, इतना ज्यादा एबनॉर्मल, एंड दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट एंड दैट लीड्स टू मेनी टाइम डेथ। सो जो एक क्लियर सीक्वेंस है, आज के पेपर में एक हेडलाइन और है जो रेमडेसिविर है वो भारत में बनने की अनुमति भी दे दी आज इन्होंने, कल आज पेपर में फ्रंट पेज पे छपी हुई खबर,
कितनी बड़ी बात है। एक तरफ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि गिनी पिग वाली आपकी बात है वो सच साबित हो रही है कि भारत में सबको गिनी पिग बना दिया इन लोगों ने, ट्रायल की कर दिया इन्होंने हर पेशेंट के ऊपर। जब तो हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो 7 साल का ट्रायल चाहिए, सारे इतनी बड़ी बड़े सारे पोथी चाहिए, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं करना। और जब तो ये मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, तो इस ये साबित होते हुए भी कि इससे मौतें हो रही हैं, ये क्लियर एविडेंस होते हुए भी, तब भी उसको आंख बंद करके लागू कर देना, मतलब ये कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को टेम्परेचर हो, हाई फीवर हो, तो गलती से अगर कोरोना चेक कराने गए तो आप गिनी पिग बन गए। आप घर बैठ कर अपना इलाज करा लो, राइट, चाहे वो सिम्टम आए अपने घर पे खुद को क्वारंटाइन करके, खुद ही अपना डाइट से और खाने पीने से ठीक करके उसको अपने आप स्वस्थ हो जाओ। बस यही है एक चारा बचा है, अगर आपको इस देश में रहना है, दिस इज द ओनली वे यू कैन लिव। या फिर भगवान से आपने भी यही किया, और मेरे को भी जितने लोगों ने संपर्क कर, हमारे डॉक्टर्स को, हमने भी यही किया, इवन की स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट ने कॉन्टेक्ट किया, हमने उनको घर पे ही बोला कि जो मसाले पड़े हैं वो लो, गर्म पानी पियो और ये डाइट प्रोटोकॉल है ये अपनाओ, बस कुछ नहीं करना। और ग्रेट ग्रेट, सो इसी के साथ बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को अब बहुत सारी नई चीजें मिल जाएंगी जिससे उनको एक इंस्पिरेशन मिला। यहाँ पे कंक्लूजन ये कि दवाइयां हैं हमारे पास और वो एक्चुअली ठीक करती हैं, और मुझे लगता नहीं कि भाई ये एक ऐसी बीमारी जिससे एक भी मौत हो सकती है, एक भी मौत, एक भी इंसान तो एक भी सिंगल मौत नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती इसमें। और जबकि ऑन द अदर हैंड अगर अगर वो एचसीक्यू का रास्ता लेंगे तो लोग जब बच जाते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, ये बच भी गया, बच पे आ भी गया, तो ये बड़ी बात है। तो खैर हम अब यहीं पे रुकेंगे, ऑडियंस को सोचने का मौका देते हैं। आप जरूर अपने टिकटॉक को और बाकी सारे व्हाट्सएप को डिलीट कीजिए, लेकिन डिलीट करते वक्त दिमाग से कहीं आयुर्वेद ना डिलीट हो जाए लोगों के दिमाग से, इस बात पे हमें ध्यान रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।